आज की वेब सीरीज आपको रियलिटी भुलाकर इनकी दुनिया में ले जाएगी। और सभी वेब सीरीज 2023 की न्यू और फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ हाईएस्ट IMDb रेटेड है। अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 16। एक एक्शन थ्रिलर आपको तब एंगेज करके रखती है जब उसकी स्टोरी एंगेज हो, लेकिन विलन से आप इमोशनली कनेक्ट हो, लेकिन उसका डर और खौफ भी दिखना चाहिए। 1970 के न्यूयॉर्क शहर की कॉन्टिनेंटल होटल की कहानी। अब विंस्टन इस होटल को अपने अंडर में लेना चाहता है, लेकिन इसका पास जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है वो इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा और हमें देखने मिलेगा ब्रूटल एक्शन का तांडव। दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव के साथ 2023 की द कॉन्टिनेंटल। सबसे बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए विलन को, जिसने इस न्यू कमर हीरो को पूरी तरह शैडो कर दिया। भाई स्टार्टिंग में तो एकदम फुद्दू लग रहा था हीरो, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा अच्छा लगने लगता है। मेल गिब्सन की क्रूरता हमें उसके चेहरे में और उसके एक्शंस में दिखती है। कई सीन जहां पर आप जो कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो उसका कम्प्लीटली अपोजिट होता है, फिर चाहे किसी को पनिशमेंट देना हो तो एक्सट्रीमली ब्रूटल। इसके अलावा छोटे छोटे पैकेजेस में जितने भी एक्शन सीन्स है वो जॉन विक की याद दिलाते हैं। सिर्फ 3 एपिसोड्स मिनी सीरीज, लेकिन 1 hour 30 minutes लंबे किसी मूवी से कम नहीं। सेक्सुअल सीन्स और ब्रूटैलिटी तो कूट कूट के भरी है। जॉन विक के फैन के लिए तो 100% मस्ट वॉच है, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। Amazon Prime पर अवेलेबल। दुनिया तबाह हो चुकी है और अपने हीरो को एक पैकेज डिलीवर करना है। एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। दीवार के अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन है, लेकिन दीवार के बाहर केओस भरा हुआ है। पोस्ट एपोकैलिप्टिक एक्शन फ्रिक्शन मैडमैक्स का वर्जन समझ लो आप। दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव के साथ 2023 की ट्विस्टेड मेटल। प्लेस्टेशन गेम पर बेस्ड ये सीरीज उन सभी के लिए जो दिमाग को कम्प्लीटली शट डाउन करके पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में जीना चाहते हैं। मैंने कभी ये गेम नहीं खेला, लेकिन विलन स्वीट टूथ मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। WWE रेसलर समुआ जो ने इसे प्ले किया है और इस बंदे की डार्क कॉमेडी बैंग ऑन, लेकिन उतनी ही चीप और लो बाकी सारी कॉमेडी है जो बहुत ज्यादा फोर्सफुल लगती है। सीरीज के कुछ एक्शन सीन्स आपको डेथ रेस की याद दिलाएंगे। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में आपको इसकी स्टोरी टेलिंग पे थोड़ा डाउट हो सकता है, क्या इसे देखना चाहिए भी कि नहीं। इसलिए सीरीज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए जो पोस्ट एपोकैलिप्टिक गेम्स के फैन है, क्योंकि मूवी ने वर्ल्ड बिल्डअप बहुत ही अच्छी तरह से किया है। सोने लिव पर अवेलेबल 10 एपिसोड एक्शन सर्वाइवल फैंस के लिए मस्ट वॉच है। अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड जिमी अब जो भी पेशेंट उसके सामने आएगा उसके मुंह पे बोलेगा कि तू चूत नंबर का। जो सच है वो सीधा मुंह पे, कोई फिल्टर नहीं, फिर चाहे पेशेंट को बुरा लगे, लेकिन ये चीज मिराक्युलसली पेशेंट की लाइफ और भी बेहतर कर रही है और तब जिमी की सैड लाइफ रीस्टार्ट होती है। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ कॉमेडी ड्रामा 2023 की श्रंकिंग। जिमी कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि इसकी तरह हमारा भी मन करता है साला लोगों के मुंह पे सच बोल देना चाहिए, फिर चाहे रिश्ता टूटे या नुकसान हो। और जब ये मुंह पे सीधा पेशेंट के सच बोल देता है, वो हर एक मोमेंट सीरीज में हिलेरियस था। बहुत ही कम ऐसी सीरीज होती है जिन्हें बीच में रोकने का मन ही नहीं करता, बस चलते रहनी चाहिए। 9 एपिसोड्स ऑलमोस्ट 30 minutes, कब निकल गए पता ही नहीं चला। एक तरह से फील गुड है। सैडनेस और दुख को भी किस तरह से कॉमेडी वे में बदला जा सकता है, ऐसी आई डोंट गिव अ शिट एटीट्यूड वाले कैरेक्टर्स मुझे सच में वो किक देते हैं। Apple+ TV पर अवेलेबल, बिंज वॉच के लिए परफेक्ट है। सुपर हीरो बच्चों की एक स्कूल जहां उन्होंने ट्रेन किया जाएगा अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेकिन इस स्कूल में छुपे हैं कुछ डार्क सीक्रेट्स जो इतने डार्क है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। ब्रुटैलिटी से कूट कूट के भरी सीरीज 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ हाल ही में Amazon Prime पर रिलीज हुई जेन वी। यहां बहुत खतरा है। सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है इनकी सुपर पावर्स, और जब ये सामने रिवील होती है आप शॉक्ड हो जाते हो। ऐसी सुपर पावर से इंसानों का भला होगा या इंसानों की बैंड बजने वाली है? कोई फायर बन जाता है तो कोई अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकता है तो कोई बहुत ही में छोटा हो सकता है। ऐसी सुपर पावर जिनकी ब्रुटैलिटी लेवल हाई लेवल पे, और साथ ही में स्कूल के अंदर छुपी एक मिस्ट्री आपको एक्साइटेड रखती है। अभी तक 5 एपिसोड आए हैं, टॉप क्लास का एकदम। सीरीज बहुत ही ज्यादा डार्क और ब्रूटल है। अगर आप द बॉयज सीरीज के फैन हो तो आपके लिए मस्ट वॉच है। Amazon Prime पर अवेलेबल, बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। नंबर 1 की सीरीज, भाई साहब जमीन के ऊपर पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, इसलिए इंसानों ने जमीन के नीचे रहना शुरू किया। ये अंडरग्राउंड दुनिया बनी कैसे, दुनिया तबाह किसने की, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जूलियट निकोल, जिसका काम है, जिस पर इंसानों ने इतना भरोसा किया है। क्या वो सच में भरोसे के लायक है या फिर एक मिस्ट्री छुपी है जिसे जल्द से जल्द एक्सपोज करना होगा। सीरीज की डिस्टोपियन दुनिया अब तक मुझे सबसे बेस्ट लगी, और Apple+ ऐसी डिस्टोपियन दुनिया दिखाने में एक नंबर है। फॉर एग्जांपल सी वेब सीरीज 10 एपिसोड्स 45 minutes ईच, बीच में थोड़े स्लो हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी मिस्ट्री से बांध के रखेगी सीरीज। किसी हाई बजट हॉलीवुड मूवी की तरह सारे सेट डिजाइन और डिस्टोपियन दुनिया दिखाई है, और ये सब कुछ देखने में बियॉन्ड इमेजिनेशन विजुअल ट्रीट है। सीरीज में जब रोमांस का पार्ट आता है तब थोड़ा बोर फील होने लगता है। इसके अलावा अगर आप सी वेस्ट वर्ल्ड जैसी सीरीज के फैन हो तो आपके लिए मस्ट वॉच है Apple+ TV पर अवेलेबल 2023 की साइलो। अगर आपका टाइम कीमती जिसमें सिर्फ क्वालिटी कंटेंट की जगह है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। ऐसी और भी वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन के लिए राइट वाली वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। Thank you so much. Love you. Take care. Bye-bye.